नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। वक्त हो गया है देश दिनभर का, जिसमें हम आपको दिनभर की 10 बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर एक युवक की बेरहमी से हत्या मामले में सरबजीत सिंह समेत दो निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज पेशी के बाद कोर्ट ने आरोपी सरबजीत को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक निहंग सरबजीत सिंह ने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में 4 नाम बताए हैं। इन सभी को ट्रेस किया जा रहा है। एक बार फिर राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। दिल्ली में शनिवार को आयोजित की गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात के संकेत मिले हैं। अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कही है। वहीं राहुल ने भी इस फैसले पर विचार करने पर हामी भर दी है। केंद्र सरकार पर एक बार फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हमला बोला है। शरद पवार ने सरकार पर सीबीआई, एनसीबी और ईडी का गलत तरह से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शरद पवार ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ उन राज्यों में सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल कर रही है जहां पर उसकी सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। पुलवामा में आतंकियों को ढेर करने के बाद अब सुरक्षा बलों ने पंपोर में भी अपना ऑपरेशन जारी रखा। खबर है कि मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इस लिस्ट में लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक और शाहिद खुर्शीद शामिल हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीबी के गवाह फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड गवाहों के जरिए ही एनसीबी फर्जी मामले बनाती है। वहीं नवाब मलिक ने ट्वीट करके पूछा कि ये फ्लेचर पटेल कौन है। राजस्थान के धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां मूर्ति विसर्जन के वक्त 5 युवकों की पार्वती नदी में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से नदी से सभी 5 शवों को बाहर निकाल लिया गया। सभी मृतक आगरा के जगनेर थाना इलाके के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में सीआरपीएफ के 6 जवान जख्मी हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। धमाके की वजह शिफ्टिंग के दौरान कारतूस के बक्से में हुए विस्फोट को बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आई शख्स की मौत के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम भूपेश बघेल ने मारे गए गौरव अग्रवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने पत्थलगांव थाना पर तैनात एसआई के साहू को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों में एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, तो वहीं यूपी के मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार तीसरी बार ईडी के समन के बावजूद एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पेश नहीं हुई। ईडी के समन के मुताबिक जैकलीन को शनिवार सुबह 11 बजे तक ईडी के दफ्तर में पेश होना था, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंची। जैकलीन ने कहा है कि कुछ प्रोफेशनल कारणों की वजह से वो ईडी के दफ्तर नहीं आ पा रही। अब ईडी ने जैकलीन को 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। फिलहाल देश दिनभर में इतना ही। नमस्कार।